नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो मशहूर हैं ठहाके बिखेरने के लिए। आप जानना चाहेंगे उनका नाम, वे हैं श्री ब्रजेश हीरजी। जिंदगी के इस अनचिन्हे सफर में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर उन्हें करीब से जानने का मन करता है। हमारी मुलाकात जब ब्रजेश हीरजी से हुई तो हमने जाना उनके बारे में। क्या जाना, आइए ये हम आपको भी बताएं। हर जिंदगी का पहला पन्ना होता है उसका बचपन। तो हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कैसी हुई और बचपन कैसे बीता। जन्म मेरा हुआ मुंबई में ही, कालबा देवी नामक एक इलाका है। शिक्षा मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में था, फिर मैंने कॉमर्स पढ़ा एचआर कॉलेज चर्चगेट में, और फिर मैंने लॉ पढ़ा चर्चगेट में ही गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। और बचपन बड़ा हंसी खुशी से बीता, बड़ा मज़ेदार था। बचपन के बाद युवावस्था तक आते आते अक्सर रास्ते तय हो जाते हैं, या कम से कम ये तो हम सोच ही पाते हैं कि भविष्य में हमें क्या बनना है। फाइनेंशियल एडवाइजर, कॉपीराइटर और न जाने क्या क्या विचार बनाने के बाद अभिनेता बनने का इरादा कैसे आया, ये रास्ते कैसे तय हुए, आइए जाने इन्हीं से। एक हॉबी के तौर पे तो मैं हमेशा नाटक करना पसंद करता था, एक्टिंग करना मेरा शौक था, लेकिन रुझान बतौर प्रोफेशनल तौर पर काफ़ी लेट, चूँकि एक एक्टर प्रोफेशनल एक्टर बनने से पहले मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब मैं लॉ पढ़ रहा था तभी मैंने एक साल इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करी थी जहाँ पे मैं स्पेस मार्केटिंग किया करता था। फिर मैंने एक साल एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में काम किया 8 महीने, वो अपना काम है ही नहीं, मतलब ये था कि खुद के पैसे संभाल नहीं पाता और कहाँ से संभालूं। फिर मैंने 1.5 साल एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग नाम की एक एजेंसी में कॉपी राइटिंग करी। तो और मुझे मेरे बड़े भाई हैं रवि बासवानी, बहुत ही जाने माने कलाकार हैं वो, तो उन्होंने मुझे एक नाटक में देखा पृथ्वी थिएटर में। उनके एक मित्र हैं मैनाक त्रिवेदी नाम के, जो एक सीरियल बना रहे थे जो एयर पे आया नहीं, वो चैनल ही एयर पे आया नहीं। तो उन्होंने मैनाक जी से कहा कि इसको आप कास्ट करिए। वो 72 साल के बूढ़े डिटेक्टिव का पात्र था, वो मेरा पहला रोल बड़ा ही, उसमें मनोज पावा जो मेरे साथ ऑफिस में आते हैं वो मेरे बेटे का पात्र निभा रहे थे। तो वो तो मैंने कर लिया, अब खून तो चख चुका था मैं। और रवि बासवानी ने बेसिकली मुझसे कहा कि तुम अगर और कुछ भी करोगे तो अपना समय नष्ट कर रहे हो, तुम्हें एक्टर ही बनना चाहिए। डर तो बड़ा लग रहा था और जानते भी नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं। तो करीब मेरी उम्र होगी तब 24 मेरे ख्याल से। जब मन में विचार ले लिया तो समय आता है कि विचार को कैसे सत्य में बदला जाए, इसमें होती है मेहनत। इस मेहनत का परिणाम होता है मंजिल। ब्रजेश जी ने सफलता का ये मुकाम पाने के लिए किस तरह खुद को साधा और फिर सफलता की ओर बढ़े, आइए उन्हीं से जानें। शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा, मैनाक त्रिवेदी जी ने जो सीरियल बनाई थी वो एयर पे आई नहीं, मैं नौकरी छोड़ चुका था। घर वालों को उस वक्त ज्यादा पसंद नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आज शायद माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है, पर तब भी थोड़ा सा बदलने लगा था, क्योंकि जो एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली होती है उनके लिए एक्टिंग क्या चीज है। जैसे कि मेरी, अब तो मैं शादीशुदा हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी पत्नी से पहले मेरी सगाई हुई थी दिल्ली की एक मोहतरमा से, तो उनके पिताजी ने मुझसे पूछा था कि बेटा करते क्या हो, तो मैंने कहा अंकल मैं एक्टर हूँ। कहते वो तो ठीक है, करते क्या हो। तो मेरे घर का भी कुछ ऐसा ही रुख था कि ये क्या है ये सब। और 6 महीने मेरे पास काम ही नहीं था क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं था, मैं बैठा रहा 6 महीने घर पे।
और मैं बस सोच ही रहा था कि मतलब पैसे खत्म हो गए, क्या करूं क्या नहीं, और मतलब अब तो तिरछी नजरों से देखने लगे घर वाले की, अच्छा ये अरे माफ कर रहा, हमें लगा तुम फर्नीचर हो, जरा हटना, जरा घर पे ही बैठे हैं, पड़े पड़े हैं यार, सड़ रहे हैं। और तब जाके मेरे एक मित्र हैं अमित बहल, जो कलाकार हैं वो भी जाने माने, वो शांति नाम के एक सीरियल कर रहे थे, उनके डायरेक्टर थे आदि पोचा, जिनको एक पतले से लड़के की जरूरत थी जो कद में छोटा हो पर जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, ऑडिशन हुआ और फिर मेरी पहली सीरियल सॉरी मेरी लॉरी जिसका नाम था वो एयर पे आई। तो फिर उसके बाद से सिलसिला शुरू हो गया। सफर में एक और अहम मकाम ये था कि मैं ऑल द बेस्ट नाम का एक नाटक हमने 10 साल तक स्टेज पे हम करते आए हैं, फिरोज खान साहब उसके निर्माता हैं। तो उस वक्त बहुत ही मुश्किल नाटक है, सिर्फ 4 लोग हैं नाटक में, एक कन्या और 3 लड़के, एक अंधा गूंगा और बहरा। मैं बहरा हूं, बहर का सुर होता है ऊंचा वैसे भी, और स्टेज पे हो आप, तो मुझे तब ना गले की थोड़ी सी प्रॉब्लम, पता नहीं कहां से कुछ छाले वाले गिरने लगे थे। पीठ का जो आखिरी हड्डी होती है पीठ की, टेल बोन, मेरा टेल बोन मुड़ गया था, मतलब जो कुछ भी हो सकता था वो सब हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने, लेकिन मैंने शो करना रोका नहीं। अगर मैं तब अपने आप से कहता कि यार गला बैठ जाता है, हर शो के बाद मेरा गला बैठ जाता था, मैं बोलने लायक नहीं रहता था, आंख से आंसू निकलते थे और कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है इसकी। जब पीठ जब टूटी थी तो मैं स्टेज पर टायर लेके घूमता था, जब भी बैठने की बारी आती तो मैं टायर पर बैठता था। तो वो लगातार हम करते आए शोज, और उसी ऑल द बेस्ट में ऋतिक रोशन ने और उनकी मम्मी ने मुझे वो नाटक करते हुए देखा, और ऋतिक रोशन ने राकेश रोशन से जाके कहा कि इस टोनी नाम का जो पात्र है कहो ना प्यारे का, उस कैरेक्टर के लिए एक लड़का है इस नाटक में, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। तो फिर मेरा नाम और नंबर वगैरह उन्हें मिला और उन्होंने मुझे बुलाया। तो हाँ, बट वो बहुत ही एक मुश्किल दौर था, जब फिजिकली तो पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे क्या हो रहा है, और फिर जाके ऑफ कोर्स पता चला। और माना कि उन्हें बहुत से रास्ते तय करने और बहुत आगे जाना है, पर उनके इस रास्ते में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उनसे जुड़े हैं। आज जो पहचान उन्होंने बनाई है उसे पाने में, उस सफलता तक पहुंचने में किसे देते हैं वे श्रेय, आइए उन्हीं से जाने। लोगों को, अरे झेला ना मुझे, नहीं वो कंप्लीटली श्रेय लोगों को जाता है। यूं तो आए दिन कोई ना कोई वाकया जिंदगी में गुजरता ही है, पर कुछ वाकये यादगार बन जाते हैं। ब्रजेश जी की जिंदगी का वो यादगार वाकया कुछ यूं था। एक समय था मैं जब टीवी कर रहा था और लगातार मैं कॉमेडी करता हुआ जा रहा था। मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, एक तो मैं भी इंसान हूँ, तो हंसी और जोक्स के अलावा मेरे में बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक एक्टर हूँ, ना सिर्फ एक कॉमेडियन, जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ये चीजें करवा रहे थे। तो शाम को मैं दोस्तों के साथ यूँ टहल रहा था, हम चाय पीने के रेस्टोरेंट में गए, जॉनी लीवर मिले वहाँ बाहर, मैं भक्त हूँ इनका, भक्त हूँ। मुझे नहीं करना है, मुझे बंद कर, छोड़ देना है ये, मैं और कुछ कर लूंगा, डांट दिया उन्होंने मुझे। तू कहते मुझे कि, और रोने लगे आंखों में, कहते कि तुझे पता है कि तुझे ऊपर वाले ने कितनी बड़ी एक कला, कितना बड़ा एक मौका दिया है कि औरों के चेहरों पर तू खुशी ला सकता है, तो तुझे वो करना बंद कर देना, तू पागल हो गया। मैं हिल गया था उस वक्त। इंसान को जिंदगी में कभी कभी कुछ पसंद होता है तो कुछ नापसंद। आइए ब्रजेश जी से जाने कि क्या उन्हें पसंद है और क्या नापसंद। मुझे शांति बहुत पसंद है, शांति, प्यार, चैन, अमन, क्लेश दूर ही रखो मुझसे तो बाबा प्लीज। तो मतलब जैसा कि मैंने कहा ना आपसे, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, दौड़ में हूँ मैं, लेकिन दौड़ में अपने आप जो बगल में दौड़ रहा है वो मैं ही खुद हूँ। मैं अपने आप को और कितनी तेज दौड़ा सकता हूँ, किसी और को काट कर नहीं बाबा। जो इंसान जानता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है
और वो इस प्रयास में जुटा रहता है, वही वास्तव में सीखता भी है। और ऐसे व्यक्ति जो कुछ सीखते हैं उनसे सीखने का मन करता है, और इसीलिए हमने चाहा कि उनसे हम भी कुछ सीखें, और हमने कहा कि हमें वे दें एक संदेश। मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है कि काम का मजा ले, जो भी काम करे उस काम का मजा ले, बिकॉज अगर मजा नहीं आता तो काम मत करो आप, तो आप तो ना वो काम, तो या तो वो काम आपके लायक नहीं है या तो फिर आप उस काम के लायक नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे लोग कहते हैं इट्स एन एंड ऑफ कंपटीशन, ये वो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री इतने सारे लोग हैं, कम्पीट करो कम्पीट करो। स्कूल से हम अपने बच्चों को कंडीशन कर देते हैं ना कि तुम्हें सबसे अव्वल नंबर आने चाहिए। मेरे ख्याल से एक मैं अगर कंपटीशन की बात करूं, मैं सिर्फ अपने आप से कम्पीट करूंगा, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। मैं ये नहीं कोशिश करूंगा कि मैं उससे बेहतर बनूं या मैं उससे बेहतर बनूं, जो किसी और का है वो किसी और का ही है, मैं अपने आप पर ज्यादा समय क्यों ना दूं। तो ये एक और मेहनत का अहम हिस्सा है। आपने अपने बारे में जो इतनी सारी बातें बताई और इतनी सारी बातें आपने बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द वर्ड्स हमसे कह दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी मुलाकात श्री ब्रजेश हिरजी से। इसी तरह ये सफर चलता रहेगा, फिर मिलेंगे शायद कभी भविष्य में। तब तक के लिए इंतजार और जेवी मनीषा का नमस्कार।